नमस्ते फ्रेंड्स, मैं उषा नहार उषा नहार किचन से आज सब बच्चे का पसंदीदा डोनट बनाने जा रही हूँ। इसे कैसे बनाते हैं मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डोनट बनाने के लिए सामग्री, ये कटोरी लीजिए, डेढ़ कप मैदा, ये मैदा डेढ़ कप लिया हुआ है, और आधा कटोरी से थोड़ा एक टीस्पून ज़्यादा पाउडर शुगर, शुगर को मिक्सी में पीस के आप छान लीजिए, वो आधा कटोरी है, और ये वार्म मिल्क है, ये एक चार टेबलस्पून, कितना चाहिए उतना अपने डो बनाएंगे तब चाहिएगा, और ये एक टीस्पून तेल है, ये बेकिंग पाउडर एक टीस्पून है, बेकिंग सोडा आप टीस्पून, और ये चॉकलेट बार से, ये चॉकलेट और वाइट चॉकलेट का मैं बनाऊंगी, और ये स्प्रिंकल्स हैं, ये अपने जो चाहिए वो स्टार अलग अलग गोल्डन सिल्वर बहुत सारे स्प्रिंकल्स आते हैं, जो आपको मनाए वो लीजिए, और ये कलर है, ये आइल कैंडी कलर बोलते हैं इसको, चॉकलेट आइल कैंडी कलर, आप इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं, पाउडर फॉर्म में भी आते हैं, आपको जो चाहिए वो ले सकते हैं। और ये एक कटोरी ऐसे लीजिए, और एक ढक्कन छोटा सा, थोड़ा फ्राई करने के लिए ये ऑयल। अभी हम डोनट का डो बनाने जा रहे हैं। एक बड़ा बाउल, ऐसा वाला बाउल लीजिए, इसमें ये मैदा जो हमने लिया था वो अंदर डालिए, और ये पिसा हुआ शक्कर, इसको भी अंदर डाल के अपने को अच्छे से मिक्स करना है, ऐसे हल्के हाथ से हर चीज़ मिक्स करनी है। ये अच्छा मिक्स हो गया है। अभी मैं ये बेकिंग पाउडर और ये बेकिंग सोडा डाल रही हूँ, इसको भी अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी इसमें ऑयल डाल रही हूँ, इसको भी अच्छे से हल्के हाथ से ही आपको पूरा मिक्स करना है। ऑयल अच्छा मिक्स हो गया है। अभी ये मैं दूध अभी अपने को थोड़ा थोड़ा ही डालना है, ऐसे धीरे धीरे मिलाना है, ज़्यादा जोर से भी हिलाना नहीं है, हल्के हाथ से ही आप एकदम इसको बनाना है। फ्रेंड्स देखिए, ये डो बनकर तैयार है। ये थोड़ा हाथ से चिपकता है, तो आप थोड़ा सूखा मैदा लेके निकाल सकते हैं। अभी ये डो बनकर तैयार है। अभी इसको हम 1.5 आवर्स, किधर थोड़ी गर्म जगह रहती है ना, एक इसके ऊपर एक वाइट कलर कपड़ा थोड़ा गीला करके ऊपर डालना है, ताकि आटा सूखे नहीं और फूल के आए। डेढ़ घंटा इसको चाहिए। अभी डोनट का डो अभी डेढ़ घंटे रेस्ट हो गया है। अभी ये हम इसको बटना है। अभी देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए, ऐसी नरम चाहिए, मतलब गैस पे कढ़ाई रखिए, गैस को ऑन कीजिए। अभी ये मैंने ऑयल इसमें डाला हुआ है, ये आपको डोनट फ्राई करना है, इसलिए इसको पहले हाई करके बाद में लो में कर दीजिए फ्लेम, इसमें से तोड़ के इसको लो ही बना दीजिए। और इसको अभी हम इसको बेलना है। फ्रेंड्स अभी मैं इसको बेल लिया है, ये इतना थिक चाहिए, देखिए इतना थिक चाहिए। अभी इसको हम कटोरी लेके कट करना है, कट किया है, और बीच में अपने को होल चाहिए ना, इसलिए ये छोटा ऐसा ढक्कन ले लीजिए और ऐसे कट कीजिए। आपको इसको अलग अलग डिज़ाइन बनाना हो तो आप अलग अलग कटर लेके अलग अलग डिज़ाइन भी बना सकते हैं। डोनट पे होल कर दिया है, अभी इसको हम फ्राई करेंगे। ऐसे आपको ये तेल गर्म हुआ कि नहीं हुआ है आप देखना है, ये ऊपर आ जाता है तो तेल गर्म हो गया करके। देखिए फ्रेंड्स, ये ऊपर तक अच्छे से देखो एकदम कलर ऐसा होना है डोनट अपने तलते, तो अभी ये तेल एकदम बरोबर गर्म है। अभी फ्लेम को कम कर दीजिए और धीरे से इसको अंदर डालिए। इसको एक बार थोड़ा एक साइड से सिक जाने के बाद ऐसे आप उलट पुलट कर दीजिए, देखिए कैसा एकदम फुला फुला हुआ है, ऐसे फूलना चाहिए। आप मिनी डोनट भी बना सकते हैं, अलग अलग डिज़ाइन भी बना सकते हैं,
छोटे छोटे बनाए, जो भी आपका मन चाहिए बना सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने ये डोनट पूरा फ्राई कर दिया है, ये 8 से 9 बन जाते हैं। इसके बीच वाले होते उसको भी वापस एक डोनट बनाओ, लास्ट का बचा हुआ ऐसे आप गोल भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी हमको ये चॉकलेट मेल्ट करना है, इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं। और एक ऐसा बाउल लीजिए, इस बाउल में अपने को गैस के ऊपर एक गर्म पानी करना है क्योंकि ये चॉकलेट मेल्ट करना है। ऐसा एक बाउल लीजिए और इसके अंदर रखिए, पानी ऊपर थोड़ा भी नहीं आना है। देखिए ऐसे ऐसा ही मेजरमेंट लेना है और ये चॉकलेट के टुकड़े इसमें डाल दीजिए। फ्रेंड्स, मैंने गैस के ऊपर वो पानी और बाउल रख दिया है, गैस ऑन कीजिए। पानी थोड़ा ही गर्म होना है, मतलब जैसे चॉकलेट थोड़ा थोड़ा मेल्ट होएगा ना, तब अपने को गैस की फ्लेम ऑफ करनी है। मैंने जो पानी डाला था वो अभी गर्म हो गया है और ये चॉकलेट भी मेल्ट होने लग गई है। देखिए अभी हमको इसको गैस को फ्लेम को बंद कर दीजिए। अभी इसको हमको नीचे उतारना है। अभी नीचे जो गर्म पानी है ना, इसके लिए ये धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगा। आप ऐसे नहीं मेल्ट करना चाहते हैं चॉकलेट, तो आप 180 डिग्री माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं। मैंने व्हाइट चॉकलेट भी देखिए सेम मेल्ट किया है। इसको मैंने बोला ना आपको माइक्रोवेव में 30 सेकंड के लिए आप ऐसे बाउल में चॉकलेट पीस करके डाल दीजिए, वो अपना आप मेल्ट हो जाएगा। मैंने तो गैस पे किया है। फ्रेंड्स, डोनट कलरफुल बनाने के लिए मैंने ये व्हाइट चॉकलेट दो आधा आधा कर दिया है। ये तो इतना ही लिया हुआ है एक बार। इसमें मैंने ये पिंक एक ड्रॉप, मतलब पिंक वाला ये आइल कैंडी कलर आता है, एक ही एक पिंक ड्रॉप, क्योंकि मेरा ये बहुत डार्क है इसलिए एक ही एक बूंद डाला हुआ है। ये येलो कलर है, इसको भी एक बूंद डाल रही हूँ। ये कैंडी आइस, मतलब आइल कैंडी कलर, ये पाउडर में भी आता है, इसको भी आप पाउडर थोड़ा सा डाल सकते हो। ये थोड़ा लिक्विड फॉर्म है, मैंने एक बूंद डाला है, देखिए एकदम डार्क कलर हो गया है पिंक। और ये येलो कलर डाला हुआ है एक बूंद, इसको भी मैं चला रही हूँ। मैं डोनट पे कैसे चॉकलेट और स्प्रिंकल डालते हैं वो बताने जा रही हूँ। इसको ऐसे लीजिए और इसको ऐसे थोड़ा बीच में क्या तो भी आया तो फूंक मार के इसको ऐसे रखिए। अभी ये स्प्रिंकल की बहुत टाइप के अलग अलग आते हैं, जो आपको पसंद आए वो आप स्प्रिंक कर सकते हैं। जैसे आपको स्प्रिंकल करना है, डोनट विथआउट स्प्रिंकल भी खा सकते हैं चॉकलेट और वाइट सॉस या चॉकलेट सॉस के लिए, लेकिन बच्चे को तो कलरफुल मन लुभाता है इसलिए इसको कलरफुल बनाना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, जैसे ही हमको अभी ये पिंक कलर का मैं चॉकलेट सॉस लगा रही हूँ डोनट पे ऊपर, ऐसे बीच में कुछ आए तो थोड़ा सा फूंक मार के इसको रख दीजिए। अभी इसके ऊपर मैं पिंक वाला स्प्रिंकल करूँगी पिंक के लिए। ये अलग अलग शेप है, कोई स्टार भी है इसके अंदर और हार्ट शेप भी है, इसे बहुत टाइप आप जो भी चाहिए वो मन भाई वो ले सकते हैं, जो बच्चे को बहुत अट्रैक्टिव लगे वो आप स्प्रिंकल कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, पिंक के लिए पिंक कितना अच्छा लग रहा है मैचिंग। फ्रेंड्स, अभी वो चॉकलेट मेल्ट हुआ, चॉकलेट डोनट बना रही हूँ। ये कभी भी थोड़ा सॉलिड हो जाए लिक्विड, तो थोड़ा गर्म पानी में डाल के आप इसको चॉकलेट को ये करना है। आप फ्लेक्स लिया हुआ है, वाइट चॉकलेट फ्लेक्स बोलते हैं। आप कोन में जैसे है वाइट चॉकलेट सॉस भर के आप जो भी डिज़ाइन चाहिए, जिगजाग डिज़ाइन कोई भी आप अलग अलग डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं ये वाला कर रही हूँ। देखिए, कलरफुल और स्वादिष्ट डोनट बनकर तैयार हैं। इसे आप इजी वे से जैसे मैंने बताया इसे आप बनाइए और एंजॉय कीजिए। और जब भी आपको मीठा खाने का मन हो और बच्चे जिद करते हो तो आप फटाफट बना सकते हैं, ये बहुत स्वादिष्ट लगता है। मेरी रेसिपी और वीडियो पसंद आए तो आप लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ एक बेल आइकॉन है उसको दबाइए तो आगे आने वाली
मेरी सारी रेसिपी आपको पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। सबको उषा नार का धन्यवाद।